में एक बार फिर से इविक्शन हुआ है और इस बार गाज मंडली पर गिरी। जी हाँ, जैसा कि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि इस बार शो की सबसे छोटी सदस्य घर से बेघर होंगी, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुमुल तौकीर खान अब बिग बॉस 16 से बाहर हो चुकी हैं। सुमुल के पापा ने इसे कंफर्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि प्लीज अभी किसी को ये बताना नहीं है। सुमुल के बिग बॉस 16 से बाहर जाते ही उनके फैंस का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि सुमुल नहीं तो बिग बॉस 16 नहीं। लोगों का मन बहुत दुखी हुआ है। वो कह रहे हैं कि 123 दिनों में उन्होंने सुमुल को कभी भी किसी का भी बुरा करते या किसी को बुरा बोलते हुए नहीं देखा है। कुल मिलाकर सुमुल का फिनाले से एक हफ्ते पहले जाना फैंस को अखर गया है। आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस 16 को होस्ट ना तो सलमान खान कर रहे हैं और ना ही फराह खान, बल्कि नजर आएंगे तो करण जौहर। करण जौहर ने एलिमिनेशन का भी खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए शिव ठाकरे का नाम ले लिया है। वहीं शिव ठाकरे शो से वॉकआउट करते हुए भी नजर आए थे। दर्शकों की तो सांसें थम गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें फिनाले का सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा है। ऐसे में करण बताते हैं कि वो प्रैंक कर रहे हैं। सुमुल के शो से एविक्ट हो जाने पर अब घर में 6 सदस्य बचे हुए हैं, जिसमें शालीन भनोट, प्रियंका चहर चौधरी, अर्चना गौतम, निर्मित कौर, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे शामिल हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या टॉप 5 के लिए मिड वीक में एलिमिनेशन होगा या फिर कोई पहले ही पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर चला जाएगा। वैसे बात करें सुमुल की तो वो इस सीजन की सबसे यंग प्रतियोगी थी। उन्हें इस शो के लिए सबसे ज्यादा फीस भी मिल रही है, पर वीक के लिए उन्हें 12 लाख रुपए मिलते थे। वो शो में हर बार नॉमिनेट होती थी, लेकिन हर बार फैंस ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें बचा लेते थे। लेकिन इस बार सुमुल के फैंस एक्ट्रेस को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। बताया ये जा रहा है कि एमसी स्टैन सुमुल की वोट्स में बेहद ही कम डिफरेंस था, लेकिन सुमुल के वोट्स थोड़े कम पड़ गए और वो शो से बाहर हो गई। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि बिग बॉस 16 की ट्रॉफी किसके हाथ लगती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।